हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और टुडे इज सैटरडे और सैटरडे के दिन हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पेपर देखते हैं। और अब तक हमने प्लेटो, एरिस्टोटल एंड होरेस को देखा है, उनके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं। और आज जिन क्रिटिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिक हैं और इनके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, वेदर यू आर गिविंग पीजीटी, टीजीटी, नेट, सेट, और अगर आपके ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम हैं और मास्टर्स के एग्ज़ाम हैं, तो अगर आप में कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इनके चांसेस हाई रहते हैं कि लॉन्जाइनस से एक दो क्वेश्चन निकल के आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसके साथ ही साथ इनकी जो थ्योरी है ऑफ सब्लिमिटी वो मैं आपको क्लियर करते चलूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि लॉन्जाइनस वॉज द फेमस मिनिस्टर ऑफ ज़ेनोबिया, क्वीन ऑफ पालमायरा। पालमायरा एक जगह का नाम है और वहाँ पे ये मिनिस्टर रहते हैं, मतलब लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस ऑन द सबलाइम, ऑन द सबलाइम लॉन्जाइनस का एक वर्क है, इज़ द मोस्ट प्रीसियस लेगेसी ऑफ द ग्रीको रोमन पीरियड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन द मॉडर्न एज। सो मॉडर्न एज में रोमन, ग्रीको रोमन पीरियड का जो एक इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है ऑन द सबलाइम। और लॉन्जाइनस ने ये जो थ्योरी दी है ऑन द सबलाइम की, ये बहुत ही प्रीशियस लेगेसी है ग्रीको रोमन पीरियड की। अब लॉन्जाइनस बिलीव दैट सबलिमिटी इज द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन ऑफ बोथ नेचर एंड आर्ट। अब उनका ऐसा मानना था, लॉन्जाइनस का ऐसा मानना था कि जो सबलिमिटी होती है, अब सबलाइम क्या होता है, सबलाइम होता है किसी चीज़ को एक्सीलेंट करना, या कोई चीज़ जो बहुत ही एक्सीलेंट होती है उसको सबलाइम कहते हैं। एक्सीलेंस से आप समझ लो, कोई चीज़ बहुत ही ग्रैंड हो, एक्सीलेंट हो, तो दैट इज़ सबलाइम। तो उनका ऐसा मानना था कि जब आपका कोई वर्क या पीस ऑफ आर्ट सबलाइम कब होता है, जब वो नेचर और आर्ट दोनों एक साथ मिलते हैं, तब एक सबलाइम पीस ऑफ वर्क तैयार होता है, एक एक्सीलेंट पीस ऑफ वर्क तैयार होता है। तो अब इन्होंने सबलिमिटी के लिए, अगर आपको अपना वर्क सबलाइम बनाना है, एक्सीलेंट बनाना है, तो लॉन्जाइनस ने 5 प्रिंसिपल सोर्सेज दिए कि ये जो 5 प्रिंसिपल तरीके हैं, ये किसी भी वर्क को, किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को या किसी भी पीस ऑफ आर्ट को सबलाइम बनाएगा। तो वो कौन कौन से 5 जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है, प्रिंसिपल सोर्स है अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस, वो है ग्रैंडियर ऑफ थॉट। ग्रैंडियर ऑफ थॉट का मतलब कि आपका थॉट बहुत ग्रेट होना चाहिए, मतलब ग्रेट पीस ऑफ वर्क के पीछे ग्रेट थॉट होता है, थॉट प्रोसेस बहुत ही ग्रेट हो, तब तो कोई चीज़ आप ग्रेट तैयार करोगे, एक एक्सीलेंट, एक मास्टरपीस तैयार करोगे। सो मास्टरपीस को लिखने के लिए आपका जो थॉट हो, आपका जो थॉट प्रोसेस हो, वो बहुत ही ग्रैंड हो, बहुत ही ग्रेट हो, आइडिया आपके बहुत ही बड़े हों। सो ये इसका मतलब हुआ। वेहमेंट एंड इंस्पायर्ड पैशन, आपका जो पैशन हो, आप बहुत ही इंस्पायर्ड हो कुछ अच्छा लिखने के लिए। देन वो बोलते हैं यूज़ ऑफ फिगर्स। यूज़ ऑफ फिगर्स में उन्होंने दो बात कही है, एक फिगर्स ऑफ थॉट्स एंड फिगर्स ऑफ लैंग्वेज और एक्सप्रेशन। अब फिगर्स ऑफ थॉट का क्या मतलब हुआ, देखिए यूज़ ऑफ फिगर का मतलब हुआ कि अगर आप कोई चीज़ बहुत ही ग्रैंड सोच रहे हो, इफ़ योर आइडिया इज़ वेरी ग्रैंड और ग्रेट, सो उसको आपको रिप्रेजेंट करना भी है, ठीक है, ग्रेट थॉट को ग्रेट तरीके से रिप्रेजेंट करना भी आपको आना चाहिए, तभी वो पीस ऑफ वो आर्ट ग्रेट होगा, ठीक है। सिर्फ ग्रेट थॉट होने से पीस ऑफ आर्ट ग्रेट नहीं होता है, इट इंक्लूड टू रिप्रेजेंट इन दैट वे, ठीक है। सो उनका ऐसा मानना था कि आपको थॉट प्रोसेस, जो आपने एक बहुत ही ग्रैंड थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है, सो यू हैव टू नो कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो दैट इज़ द फिगर्स ऑफ थॉट। और दूसरा कि फिगर्स ऑफ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन, इन दिस पार्ट उनका मतलब था कि फिगर ऑफ स्पीच को और उसको किस तरीके से यूज़ करना है, दैट यू शुड नो वेल, तब आप जो वर्क लिखोगे वो बहुत ही सबलाइम होगा, बहुत ही एक्सीलेंट होगा। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन्होंने दिया है सबलिमिटी का, वो उन्होंने बोला है कि डिक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, वर्ड अच्छा होना चाहिए, जो वर्ड आप लिख रहे हो, यू हैव टू नो कि कहाँ पे कौन सा शब्द यूज़ करना है, कौन सा वर्ड यूज़ करना है, सो प्रॉपर चॉइस होना चाहिए उसके लिए, एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड जो है दैट शुड बी वेरी गुड, तब वो वर्क जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, क्योंकि कोई भी चीज़ लिखने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती है, और अगर आपको शब्द को लिखना नहीं आता, आपको प्रेजेंट करना
करना नहीं आता, देन आपके थॉट का और आपके फिगर ऑफ स्पीच की जानकारी का कोई मतलब नहीं है. सो यू शुड नो टू हैंडल मेटाफर्स और अपने डिक्शन को ऑर्नामेंट कैसे करना है एंड हाउ टू यूज़ द प्रॉपर वर्ड. ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एक चीज़ को, एक वर्क को मास्टरपीस बनाने के लिए. फिर फिफ्थ वो बोलते हैं कि डिग्निफाइड, एलिवेटेड एंड इलेबोरेटेड कंपोजिशन, मतलब उन सब चीज़ों को आपको एक प्रॉपर तरीके से रखना आना चाहिए, कंपोजिशन करना आना चाहिए. तो स्किलफुल कंपोजिशन हो, तब ये सब पांच चीज़ जब एक साथ मिलती है तो एक जो पीस ऑफ आर्ट है वो मास्टरपीस बनता है, एक एक्सलेंट वर्क बनता है. फिर इसमें इन्होंने जो पांच पॉइंट्स दिए हैं उसके, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस, इसमें से जो दो सोर्सेज हैं वो जो है गिफ्ट, नेचुरल गिफ्ट होता है, मतलब वो चीज़ इंसान अपने साथ लेके आता है, दैट इज़ कि वो गिफ्टेड होते हैं. तो उसमें दो चीज़ों का उन्होंने कौन कौन सा बात किया है जो कि गिफ्टेड हैं, वो है नेचुरल गिफ्ट जिसको कहा है लॉन्जाइनस ने. दो प्रिंसिपल सोर्सेज को लॉन्जाइनस ने नेचुरल गिफ्ट बोला है, वो दो कौन कौन से हैं, एक कि आपका थॉट की ग्रेटनेस, ग्रैंड्योर ऑफ थॉट, और आपका पैशन. सो ये जो दोनों चीज़ है इसको मतलब लॉन्जाइनस ने नेचुरल गिफ्ट की कैटेगरी में लिख डाला है, और जो बाकी तीन बचे उसको उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ आर्ट बताया है. और जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि लॉन्जाइनस का ऐसा कहना था कि सब्लाइम तभी कोई वर्क होता है जब उसमें कोलैबोरेशन होता है आर्ट का भी और नेचर का भी, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ों को इन्होंने डिस्टिंग्विश किया है कि कौन सा नेचर है, मतलब नेचुरल गिफ्ट कौन सा है प्रिंसिपल सोर्सेज में, और कौन सा प्रोडक्ट ऑफ आर्ट है. तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि लॉन्जाइनस ने किस दो सोर्सेज को नेचुरल गिफ्ट बताया है, तो दैट इज़ ग्रेट थॉट एंड पैशन, और जो रेस्ट तीन है उसको उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ आर्ट बताया है. अब इसके साथ साथ वो कहते हैं कि सबलाइम में, सबलिमिटी में तीन ऑब्स्टिकल होते हैं. मतलब कोई चीज़ अगर आप सबलाइम तैयार कर रहे हो तो वो कैसे तैयार करना है वो उन्होंने बताया. अब उन्होंने बताया कि तीन ऐसे कौन से ऑब्स्टिकल होते हैं जो किसी पीस ऑफ वर्क को सबलाइम बनने से रोकते हैं, मतलब वो कौन से तीन हर्डल्स हैं जिसमें अगर आप फंस जाओगे तो आप एक वर्क को सबलाइम नहीं बना पाओगे. तो वो जो तीन ऑब्स्टिकल उन्होंने बताए उसमें उन्होंने बोला एफेक्टेशन. एफेक्टेशन का मतलब होता है आपका बिहेवियर, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप कैसे सोच रहे हो, ठीक है. ये बिहेवियर जो आपका होता है वो आपके थॉट प्रोसेस पे हावी हो जाता है. और ये उन्होंने बोला है कि एक एक पोएट का, एक राइटर का या एक आर्टिस्ट का बिहेवियर उसके वर्क पे हावी हो जाए तो वो दिक्कत की बात है. तो बिहेवियर इज़ वन ऑफ द ऑब्स्टिकल. फिर दूसरा उन्होंने बोला कोल्ड पेडेंट्री. कोल्ड पेडेंट्री का मतलब होता है कि आप एक्सेसिव कंसर्न हो अबाउट रूल्स, अबाउट डिटेल्स, अबाउट रेगुलेशंस, कि किसको किस तरह, ये पैटर्न है तो इसी में लिखना है. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक्सेस किसी भी चीज की खराब है, वेदर इट इज बिहेवियर, वेदर इट इज योर एक्स्ट्रा कंसर्न अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन. डिटेल्स पे अगर आप बहुत ज्यादा जाओगे तो जो आपका वर्क है वो मास्टरपीस नहीं हो सकता, वो एक ऑब्स्टिकल के रूप में खड़ा हो जाएगा आपका एक्सेस कंसर्न अबाउट रूल्स, अबाउट डिटेल्स, अबाउट रेगुलेशंस. सो फिर वो थर्ड बोलते हैं सेंटिमेंटैलिटी. सेंटिमेंटैलिटी का मतलब होता है कि अपने इमोशन को एग्जैगरेट करके रिप्रेजेंट करना. जहाँ पे थोड़े से इमोशन से काम चल सकता है वहाँ आप उसको एग्जैगरेट कर रहे हो, बहुत ही हाइपरबोलिक तरीके से अपने इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो वो भी चीज़ों को बोला लॉन्जाइनस ने, अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस, कि ये जो तीन चीज़ें हैं, आपका आपका बिहेवियर, आपका एक्सेस कंसर्न अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड आपका जो एग्जैगरेट इमोशन है, ये तीन चीज आपके वर्क को सबलाइम बनने से रोकती है. तो ये तीन ऑब्स्टिकल हैं ऑन द सबलाइम में जो लॉन्जाइनस ने है बताया है. अब लॉन्जाइनस ने बोला को फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कहा जाता है इनको, ठीक है. इनको फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कहा गया है. कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि लॉन्जाइनस के हैं उसमें है सबलिमिटी इज़ द इको ऑफ द नोबल माइंड, ये लॉन्जाइनस ने बोला. फिर उन्होंने बोला लिटरेचर इज़ इन द नेचर ऑफ रेलिवेशन, और फिर उन्होंने बोला पोइट्री हैज़ द कैरेक्टर ऑफ ओरेकल. सो ये जो तीन स्टेटमेंट दिए लॉन्जाइनस ने, ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब इनके स्टेटमेंट हैं इनके वर्क में. अब इनको कहा, मतलब क्लासिकल ट्रायम्वरेट ऑफ क्रिटिसिज्म, देन क्लासिकल ट्रायम्वरेट ऑफ क्रिटिसिज्म
अगर मतलब ये फ्रेज आए तो इसमें तीन लोगों को रखा जाता है, और ये जो तीन ट्रायम्वरेट हैं वो हैं एरिस्टोटल, होरेस एंड लॉन्गजाइनस। दे आर द क्लासिकल ट्रायम्वरेट ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें प्लेटो का नाम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया, क्योंकि एक जगह ये क्वेश्चन पूछा था कि हु आर अमंग द थ्री क्लासिकल ट्रायम्वरेट ऑफ क्रिटिसिज्म। सो याद रखिए कि इसमें एरिस्टोटल का नाम है, होरेस का नाम है एंड लॉन्गजाइनस का नाम है। On the Sublime is a Roman era Greek work of literary criticism dated to the first century AD. ये Roman era में On the Sublime जो है ये Roman era का Greek work है, और ये dated back मतलब ये कब का लिखा हुआ ऐसा माना जाता है, that is first century AD. अब Longinus को first romantic critic किसने कहा, इनको फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कहते हैं, लेकिन किसने कहा है, वो स्कॉट जेम्स ने कहा है। लॉन्गजाइनस ने कहा है कि रीडर और हियरर शुड बी कैरिड, ट्रांसपोर्टेड एंड मूव टू इकेस्टसी बाय द ग्रैंडियर एंड पैशन ऑफ द वर्क। उनका ऐसा मानना था कि जो रीडर होता है या जो हियरर होता है वो उसको इकेस्टसी पे मतलब अपने एकदम जो मंत्रमुग्ध हो जाने वाली स्थिति होती है वो कैसे जाता है, वो उसके ग्रैंडियर थॉट और पैशन से मतलब उस वर्क के ग्रैंड होने से और उसमें इंक्लूड पैशन से वो उस पोजीशन को पाता है। तो ये हो सकता है कि कहीं आपसे पूछ दे कि ये स्टेटमेंट किसका है, सो ये लॉन्गजाइनस का है। अब फॉल्स सब्लाइम अकॉर्डिंग टू लॉन्गजाइनस, अब लॉन्गजाइनस ने बताया कि फॉल्स सब्लाइम क्या है, किसको कहते हैं। तो फॉल्स सब्लाइम उन वर्क को कहते हैं जहाँ पे यूज ऑफ पॉम्पस एंड बोम्बास्टिक वर्ड्स, जिन वर्क में बहुत ही ज़्यादा पॉम्पस एंड बहुत ही ज़्यादा बोम्बास्टिक वर्ड्स का यूज़ है, वो जो वर्क है वो फॉल्स सब्लाइम के अंदर आता है। बहुत ही चाइल्डिश है, डिफेक्ट है स्टाइल में, और लैक ऑफ पैशन एंड इमोशन, उसमें इमोशन और पैशन की कमी है। तो ये जो चार चीज़ें बताई लॉन्गजाइनस ने, ये बताया कि अगर ये चार चीज़ें किसी वर्क में पाई जाती हैं या इनमें से कोई भी चीज़ें किसी वर्क में पाई जाती हैं तो उस वर्क को फॉल्स सब्लाइम की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। ऑन द सब्लाइम इज रिटन इन एपिस्टलरी मैनर, सॉरी फॉर्म, एपिस्टलरी फॉर्म में ऑन द सब्लाइम को लिखा गया है। लॉन्गजाइनस डेडिकेटेड द वर्क टू वन ऑफ द पोस्थीमियस टेरेंशियनस पब्लिक फिगर ऑफ एंशियंट रोमन। तो इन्होंने इनको डेडिकेट किया है। देन ऑन द सब्लाइम बिगिंस विद द डेफिनेशन ऑफ द सब्लाइम इन लिटरेचर, और ये जो वर्क है ये डेफिनेशन ऑफ सब्लाइम से स्टार्ट होता है, जिसमें वो कहते हैं कि सब्लाइम इज डिफाइंड एज अ लॉफ्टीनेस एंड एक्सलेंस इन लैंग्वेज दैट अपलिफ्ट द रीडर एंड मेक्स हिम और हर रिएक्ट एज द राइटर डिजायर। तो उन्होंने बोला कि सब्लाइम क्या है, कि ये लॉफ्टीनेस एंड एक्सीलेंस इन लैंग्वेज होता है, और दैट अपलिफ्ट द रीडर्स, जो रीडर को अपलिफ्ट करता है एंड मेक हिम और रिएक्ट, जो जैसा कि राइटर चाहता है कि उसका रीडर या उसका हियरर रिएक्ट करे। अगर सामने वाला रीडर और हियरर जो उसको सुन रहा है या जो उसको पढ़ रहा है वो उसी तरीके से रिएक्ट करे जैसा कि राइटर चाहता है, तो वो जो वर्क होता है वो सब्लाइम की कैटेगरी में आता है। मतलब कि अगर मैंने कोई सैड पोइट्री लिखी और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा रीडर है इसको पढ़ के खूब रोए, और वो अगर रोता है रीडर उसको पढ़ के, तो वो जो पीस ऑफ वर्क होगा वो सब्लाइम होगा, क्योंकि वो उसी तरीके से एक्ट कर रहा है, मतलब कि मैंने जस्टिफाई किया है उस वर्क के साथ, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेशन दिया लॉन्गजाइनस ने सब्लाइम के लिए। लॉन्गजाइनस वॉज द डिसाइपल ऑफ प्लॉटिनस के ये डिसाइपल रहते हैं एंड कंसिडर्ड द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर ऑफ हिज डेट। सो प्लॉटिनस के ये डिसाइपल हैं और इनको मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर ऑफ हिज डेट कहा जाता है, कि अपने टाइम में ये एक डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर थे। अकॉर्डिंग टू लॉन्गजाइनस मास्टर पीस ऑफ ग्रीक,
ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर में मास्टरपीस किसको किसको बोला है इन्होंने, तो ये सारे नाम हैं, जिसमें कि एपिक, होमर का एपिक है, लिरिक ऑफ सैफो एंड पिंडर, देन ट्रेजिडीज ऑफ एचिलिस एंड सोफोकलीस, देन ओरेशन ऑफ डिमोस्थिनिस। सो ये जो हैं, ये नाम हैं जो ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर के राइटर थे, और उनके ये पीस को अकॉर्डिंग टू लॉन्गजाइनस उन्होंने बोला कि ये मास्टरपीस है या ग्रीक सब्लाइम वर्क है। द फर्स्ट क्रिटिक टू इम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाइल सो इलैबोरेटली, ये एक पहले ऐसे क्रिटिक थे, लॉन्गजाइनस पहले ऐसे क्रिटिक थे जिन्होंने स्टाइल पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया और बहुत ही इलैबोरेट मैनर में बोला कि आपको लिखना आना चाहिए, आपको उस चीज़ को रिप्रेजेंट आना करना आना चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाइल पे, जो राइटिंग की स्टाइल होती है उस पे, ही वॉज द फर्स्ट क्रिटिक टू इम्फेसिस इन दिस मैनर। देन एटकिंस की बात करें तो एटकिंस ने इनको बोला है, कॉल्स हिम एन एक्सपोनेंट ऑफ रियल क्लासिकल स्पिरिट, ये एटकिंस ने लॉन्गजाइनस के लिए बोला है। और रोमांटिक, इनको फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक क्यों कहा गया, ये भी बात आती है कि इनको रोमांटिक क्रिटिक क्यों कहा गया, इसलिए क्योंकि अ रोमांटिक बिकॉज ऑफ हिज एस्थेटिज्म, इनका जो एस्थेटिज्म या एस्थेटिक सेंस था वर्क के लिए, जो उनका एक डिफरेंट एंगल था, एस्थेटिक सेंस जो था, उसकी वजह से इम्फेसिस ऑन स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो उनका बैलेंस और स्ट्रॉन्ग इमोशन के तरफ जो इनका रुझान था, उस लिए सब्जेक्टिविटी, ब्यूटी, अ क्लासिस्ट बिकॉज ऑफ हिज इम्फेसिस ऑन ग्रैंड्योर। सो इनको रोमांटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एस्थेटिक, इनके अंदर एस्थेटिक सेंस था। दूसरा कि इन्होंने इमोशन पे बहुत ही फोकस किया और बोला कि आपका जो इमोशन होना चाहिए वो स्ट्रांग होने के साथ साथ बैलेंस होना चाहिए, ना कि बहुत ही एग्जैगरेट होना चाहिए। देखिए, स्ट्रांग इमोशन होना इज डिफरेंट थिंग, एग्जैगरेट करना उस इमोशन को इज अनदर थिंग। सो इसमें इन्होंने इम्फेसिस किया है स्ट्रांग इमोशन पे और सब्जेक्टिविटी पे, ब्यूटी पे, एस्थेटिक सेंस पे, चीज़ों मतलब वर्क के, तो इसलिए इनको रोमांटिक कहा गया। अब इनको क्लासिस्ट क्यों कहते हैं, क्लासिकल या क्लासिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ग्रैंड्योर थॉट पे जोर दिया है कि आपका जो थॉट प्रोसेस हो, आपका जो सोचने का तरीका हो, दैट शुड बी ग्रेट और ग्रैंड। On the sublime, earliest surviving manuscript from the 10th century was first printed in 1554. So 1554 में ये सबसे पहले पब्लिश हुआ। Longinus was the first critic to talk extensively about the impact of poetry on the reader. ये पहले ऐसे क्रिटिक थे जिसने बोला कि जो रीडर होता है उसके ऊपर जो आपका इमोशन है, जो राइटर लिखना चाहता है, उसका अगर इम्पैक्ट पड़ता है तब जो है वो वर्क जो है इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इन, ही वॉज द फर्स्ट क्रिटिक जिन्होंने बहुत ही खुल के बात किया कि जो पोएट्री हो या जो आप पीस ऑफ वर्क या पीस ऑफ लिटरेचर आप तैयार कर रहे हो, उसका जो रीडर है उसके ऊपर उसका प्रॉपर प्रभाव पड़े। ठीक है, देन एलेक्जेंडर पोप ट्रिब्यूट लॉन्गजाइनस इन हिज एन एसे ऑफ क्रिटिसिज्म, दी बोल्ड लॉन्गजाइनस ऑल द नाइन इंस्पायर। तो इन्होंने, एलेक्जेंडर पोप ने ट्रिब्यूट किया है लॉन्गजाइनस को एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में, और उन्होंने लिखा है दी बोल्ड लॉन्गजाइनस ऑल द नाइन इंस्पायर। सो ये आप अगर ये लाइन आए कि ये किसने बोला है लॉन्गजाइनस के लिए, तो ही वॉज नन अदर देन एलेक्जेंडर पोप, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, जिनका एक मास्टर पीस हम देख रहे हैं। सो इसी के साथ लॉन्गजाइनस से रिलेटेड फैक्ट्स जो है वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको और भी इनके बारे में जानना है तो प्लीज़ आप मुझे लिख के बताओ कि आपको इनसे रिलेटेड कौन सा और टॉपिक जानना है, या किस टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।